जैन साथियों, आज हम लोग एनसीईआरटी गणित की सीरीज में एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है फोड़ा। यह अध्याय बाकी अध्याय से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं हम लोग इस अध्याय से जुड़ते हुए पढ़ रहे हैं। तो एक क्रमवार रूप से एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ना, क्योंकि ये एक बेसिक गणित एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम लोग कक्षा छह की गणित की सीरीज पढ़ रहे हैं, जहां पर आज हमारा अध्याय छह है। इसी रूप में क्रमवार रूप से हमारे अध्याय को पढ़ेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि बेसिक गणित का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक गणित है, जो आपके सिलेक्शन तक जो गणित का रास्ता बना हुआ है, तो ये एनसीईआरटी से होकर जाता है। एनसीईआरटी गणित के साथ साथ अन्य विषय के लिए भी इस सेशन का हमारे साथ जुड़े रहिए। कोशिश करेंगे हम सभी तथ्यों को एक एक करके आपका क्लियर करने के लिए। कॉपी कलम लेकर बने रहिए, जहां जरूरत पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट नोट रहेगा उसे लिखते चलेगा। गणित में भी नोट करना है, साथ में इसका सोल्यूशन जो है एनसीईआरटी का, वो हम सीरीज को पढ़ने के बाद लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा, सबसे पहले हम लोग थियरी पर फोकस करेंगे, जो आप लोग को तैयार करना और पढ़ना भी है। अगर हम इनमें बात करें तो सबसे जो प्रमुख रूप से सामने आता है, पहले आ गया आपका पूर्णांक, क्योंकि अध्याय छह है, टॉपिक का नाम पूर्णांक है। पूर्णांक हम लोगों ने चर्चा कर लिया, पढ़ा भी है कि पूर्ण संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य के समूह को कहते हैं। माने शून्य सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक जीरो समय संख्या को, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के साथ साथ जीरो सहित सभी संख्याओं को हम पूर्णांक के नाम से जानते हैं। सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो सहित सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। किसी संख्या रेखा पर पूर्णांक को विश्लेषण, और हम लोगों ने संख्या रेखा पर इसके बारे में पढ़ लिया। फिर पूर्णांक संख्या की बात करें, एक भी है, जीरो भी है, मतलब जीरो के बाद पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर दोनों को देखा जाए कि मिलाकर क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे माइनस पांच पूर्णांक है, माइनस चार पूर्णांक है, केवल चार पूर्णांक है, केवल दो भी पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हैं और आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं, दाईं ओर चलते हैं। जब भी धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमेशा किधर चलते हैं? हम दाईं तरफ बढ़ते हैं। कभी भी जब भी हम किसी भी पूर्णांक को जोड़ने का काम करते हैं तो दाईं तरफ बढ़ते हैं, हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है। और जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, जब ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर चलते हैं। यूं कह सकते हैं, जोड़ने के लिए हम दाईं तरफ जाते हैं, घटाने के लिए हम बाईं तरफ जाते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को जब घटाते हैं तब बाईं ओर चलते हैं, और जब हम घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, और जब ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो हम दाईं ओर चलते हैं। तो एक चीज तो आप भी समझिएगा कि जब हम ऋण पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं, जब धन पूर्णांक घटाते हैं तो किधर चलेंगे? बाईं ओर चलेंगे। लेकिन जब ऋण पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलेंगे। यह कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, मतलब ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम धन पूर्णांक को घटाते हैं, धन पूर्णांक को जब घटाते हैं तो बाईं तरफ चलते हैं, लेकिन जब ऋण पूर्णांक को घटाते हैं तब हम दाईं तरफ चलते हैं। यह कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, आप इसे लिख सकते हैं। वैसे इसकी नोट्स आप इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से या टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हो, कि मेरी क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में मैं अपने बच्चे समय में आपके लिए लिखा था। अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, उन बिंदुओं की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो पहला कॉन्सेप्ट निकल जाता है, पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णांक संख्याएं होती है ये वास्तविक संख्याएं होती है। अब आपके मन में आएगा, सर ये वास्तविक संख्या का मतलब क्या है? तो वीडियो में पीछे जाइएगा और पीछे की सीरीज को पूरा पढ़िएगा। शुरुआती क्लास में हमने वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा किया है, पढ़ाया भी है। पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इन पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल होती हैं। तो याद रखें कि जो पूर्णांक संख्या होती है, इस पूर्णांक संख्याओं में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या भी शामिल होती है। क्योंकि गिनती संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और जीरो सहित प्राकृतिक संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो वही देखा कि जो पूर्णांक होता है उसमें दोनों शामिल होते हैं, पूर्ण और प्राकृतिक, और साथ ही साथ निगेटिव पूर्णांक भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, ये ई लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स है एनसीईआरटी की। अब कुछ और तथ्य हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। यहां कह रहा है कि जीरो न तो ऋणात्मक है पूर्णांक संख्या और न ही धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये उदासीन है। ये जीरो जो है ना, ये न धनात्मक है, ये न ऋणात्मक है, ये उदासीन है। क्या है? ये उदासीन। ये भी सवाल आपके लिए उपयोगी है, क्योंकि दाईं तरफ धनात्मक है उसकी बाईं तरफ ऋणात्मक। पूर्णांक संख्याओं में भिन्न दशमलव संख्या शामिल नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्याओं में भिन्न और दशमलव संख्या शामिल नहीं होती, जबकि वास्तविक संख्या में दशमलव और भिन्न संख्या भी शामिल होती है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और आप जानते हैं इसकी उपयोगिता भी आगे हम लोग को मिलेगी। ये सब की पॉइंट है, परीक्षाओं में आज सवाल झोला भर भर के खूब पूछे जाते हैं। आगे कह रहा है, पूर्णांक संख्याओं की पूर्ववर्ती और परवर्ती।
तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या है, अगर की संख्या में से माइनस एक कर देते हैं तो हमें पूर्ववर्ती प्राप्त हो जाती है। परवर्ती को हम अनुवर्ती कहते हैं, अगर हम इसमें प्लस एक जोड़ दें किसी संख्या में तो हमें परवर्ती प्राप्त हो जाती है। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और पूर्ववर्ती यदि हम किसी संख्या में एक घटाते हैं तो हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। पूर्णांक के लिए, पूर्णांकों के लिए प्रत्येक संख्या का अपना पूर्ववर्ती होता है, प्रत्येक संख्या का अपना पूर्ववर्ती होता है। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक के लिए सभी संख्या का पूर्ववर्ती होता है, लेकिन ध्यान रहे जीरो का पूर्ववर्ती नहीं होता। यह भी आपके लिए परीक्षा में पूछा जाता है और हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ लिया था। पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या में जीरो का परवर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती नहीं होता, पूर्ववर्ती नहीं होता मतलब माइनस में नहीं आता। लेकिन दो, माइनस दो का पूर्ववर्ती अगर हम बात करें तो माइनस, सॉरी उदाहरण अगर हम बात करें तो यहाँ उदाहरण है, ये यहाँ पे सवाल अगर हम इस नजरिए से देखें, अगर हम देखें यहाँ पे दो का पूर्ववर्ती क्या है, तो हम जानते हैं दो का पूर्ववर्ती एक। अगर माइनस ग्यारह की पूर्ववर्ती की बात करें तो माइनस ग्यारह की जो पूर्ववर्ती होगी, हम इसमें जब माइनस से घटाएंगे क्या आएगी, माइनस बारह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझते रहिएगा, क्योंकि परीक्षा में इस तरह सवाल आ चुके हैं जैसे पूछ दिया जाए कि माइनस सोलह की पूर्ववर्ती क्या होगी, माइनस एक कर देंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस सत्रह। ये दोनों माइनस है और ये दोनों क्या हो गए, आपस में जुड़े। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे समझना आपके लिए जरूरी है। बाकी जब इसकी हम सोल्यूशन लेकर आएंगे, जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट जो है और इसे सॉल्व करने का प्रयास। जब हमारी बात परवर्ती पे आती है, जब हम परवर्ती पे चलते हैं तो परवर्ती पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। माने परवर्ती, माने इसे अनुवर्ती कहते हैं, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर हमें उस संख्या का परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। पूर्णांकों के लिए प्रत्येक संख्या का अपना परवर्ती होता है, जैसे जीरो का परवर्ती क्या होगा, एक होगा। लेकिन माइनस छप्पन का परवर्ती प्लस छप्पन होगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि माइनस तेरह का परवर्ती क्या, एक जोड़ देंगे तो बड़े पद में छोटे पद को घटा देते हैं और बड़े पद का चिन्ह रखते हैं, प्लस लिखिए ना लिखिए ये सॉरी माना जाता है, तो बड़े पद का चिन्ह माइनस है। इस तरह से हमने देखा कि परवर्ती, जिसे हम अनुवर्ती संख्या के नाम से जानते हैं, इसे अनुवर्ती भी कहा जाता है। परीक्षाओं में प्रायः परवर्ती के नाम से यहाँ से सवाल खूब झोला भर भर के आता है। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या, ध्यान देने योग्य बात है कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याएं, यदि हम एक रेखा खींचते हैं और उस पर जीरो अंकित करते हैं, शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक अंकित होती है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं अंकित होती है। यह रेखा पूर्णांक रेखाओं, यह रेखा जो है पूर्णांक संख्याओं की रेखा। तो ये हम लोगों ने शुरू में भी पढ़ लिया और याद भी होगा आपको, ये जीरो उदासीन है, इसके जब दाईं तरफ जाते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, जब उसके बाईं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होती है। तो संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं का निरूपण ऊपर हमने पढ़ लिया, एक और हेडिंग है, उस हेडिंग के माध्यम से हम इसके सीरीज में और आगे बढ़ेंगे। हाँ, आप लोग भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, जहां भी आप देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे ऐप पर, कहीं भी देख रहे हैं, क्योंकि निःशुल्क क्लास है मेरे द्वारा, आप कहीं भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं किसी किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक संख्या वाली संख्या रेखा खींचते हैं, फिर उस संख्या के चिन्ह के अनुसार हम उस संख्या के दाईं और बाईं ओर निरूपित करते हैं। आइए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे संख्या रेखा पर आठ और पांच, माइनस पांच को निरूपित कीजिए, तो अब हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्या रेखा पर दोनों को प्रदर्शित करेंगे। माने धनात्मक पूर्णांक संख्या शून्य के दाईं ओर है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या शून्य के बाईं ओर है। अब हमने ये बना दिया, अब कह रहा है यहाँ पे कि आठ पर, आठ के लिए क्या होगा, धन आठ है, क्योंकि दाईं तरफ जीरो से जाएंगे तो धनात्मक है और हम बाईं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक है। यहाँ पे माइनस पांच हो गया और ये क्या हो गया, माइनस। तो वही कह रहा है कि किसी भी संख्या रेखा, किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले धनात्मक ऋणात्मक दोनों पूर्णांक संख्याओं वाली संख्या रेखा खींचते हैं और फिर उस संख्या के चिन्ह के अनुसार हम उस संख्या को या तो बाईं ओर या तो दाईं ओर निरूपित करते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं, तो उदाहरण हम लोगों ने समझ लिया, हम दाईं तरफ भी और बाईं तरफ जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव नंबर मतलब नकारात्मक पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, और जीरो के दाईं तरफ जो है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। आप इसे एक बार देख सकते हैं, आठ को निरूपित करने के लिए धनात्मक पूर्णांक संख्या होने के कारण हम शून्य के दाईं ओर आठ कदम चलते हैं। देखिए, एक कदम, दो कदम, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, और माइनस पांच के लिए हम जीरो से बाईं तरफ पांच कदम चलते हैं, पांच इकाई दूरी तय करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आया कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं का योग, तो ये भी आसानी से कर लेंगे, हम लोग पीछे वीडियो में पढ़ा है। यदि हमें दो धनात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ना है, हम दो पूर्णांक संख्याओं के योग के समान दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के योग का परिणाम दोनों पूर्णांक संख्याओं के दाईं ओर होगा। माने जब हम धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे
और धनात्मक पूर्णांक का योग ज्ञात करना, तो हमेशा वो दाईं तरफ होंगे, हमेशा ही वो दाईं तरफ होंगे, याद रखिएगा, जीरो के दाईं तरफ। ये एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब यहाँ पर पूर्णांक संख्या तीन और चार को जोड़ना है, तो पहले हम तीन कदम आएंगे, एक दो और तीन, इसमें कितना जोड़ा है चार, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे एक दो तीन और चार, तो पहले तीन कदम आए फिर चार कदम, हमारा आंसर कितना मिल गया हमें सात। ध्यान दीजिएगा, पहले हम तीन तक आए हैं फिर हम सात तक, कदम देखिए एक दो तीन हो गया, फिर चार पांच छह और सात, तो ये हम ऐसे जोड़ेगा सीधा बता देंगे सर तीन और चार कितना होता, कहेंगे सर सात, तीन में अगर हम चार जोड़ेंगे कितना होता है, कहेंगे सर सात, लेकिन संख्या रेखा पर जोड़ना होता तो एक बात स्पष्ट हो गया, हमें जीरो के दाईं तरफ ही चलते रहना और जीरो के दाईं तरफ हम चलेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तीन और चार को जोड़ने के लिए पहले हम जीरो से दाईं ओर तीन कदम चलते हैं और संख्या पर तीन पहुंचते हैं, और संख्या से फिर तीन से हम चार कदम दाईं ओर चलते हैं और हम संख्या सात पर पहुंचते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अब अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, इसलिए जोड़ हमें सात प्राप्त हुआ। यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ते, देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट और क्लियर कर रहे हैं, जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ना है तो परिणाम दोनों पूर्णांक संख्याओं के बाईं ओर होगा। यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा दोनों पूर्णांक संख्याओं के बाईं ओर होगा। जब दो ऋणात्मक संख्या होंगे तो बाईं ओर होगा, और जो धनात्मक पूर्णांक संख्या योग ज्ञात करना है तो दोनों दाईं तरफ होगा। माइनस तीन और माइनस दो को जोड़ेंगे, पहले माइनस माइनस दो तक जाएंगे फिर माइनस तीन तक जाएंगे, एक कदम दो कदम तीन कदम चार कदम पांच, माइनस पांच आएगा। तो ये आसान है, आप धीरे धीरे समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट ही। माइनस दो और माइनस तीन को जोड़ने के लिए पहले हम जीरो से दो कदम बाईं ओर चलते हैं और संख्या माइनस दो पर पहुंचते हैं, माइनस दो से फिर हम बाईं ओर चलते हैं तीन कदम और संख्या माइनस पांच पहुंचते हैं, अतः योग क्या हो गया माइनस पांच है। कैसे इसको भी देखते हैं, जैसे माइनस दो है तो उसमें जोड़ना है माइनस तीन, तो क्या हो जाएगा, दोनों पद समान है, चिन्ह भी समान है, जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पांच। यहाँ पर हमने देख लिया माइनस पांच है, ठीक इसी क्रम में और आगे चलते हैं। कह रहा है यदि हमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जोड़ना है, तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए हम दाईं ओर जाते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के लिए हम बाईं ओर जाते हैं, इसे माइनस एक और चार जोड़ना है, तो पहले हम क्या करेंगे बाईं ओर जाएंगे माइनस एक कदम, फिर चार कदम दाईं तरफ चलेंगे, तो जब भी जोड़ना होगा तो धनात्मक नंबर, ध्यान दीजिएगा, हम धनात्मक पूर्णांक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को जब जोड़ते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक को जब जोड़ते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या के हम दाईं तरफ, जब भी हम धनात्मक संख्या जाना होगा तो हम दाईं तरफ बढ़ेंगे, और जब हमें ऋणात्मक ले जाना होगा तो हम बाईं तरफ चलेंगे। तो पहले कह रहा है कि माइनस एक और चार जोड़ना, तो माइनस एक ऋणात्मक हम बाईं तरफ जाएंगे, जीरो से एक कदम बाईं तरफ जाएंगे, फिर कह रहा है प्लस चार, फिर माइनस एक से चार कदम दाईं तरफ जाएंगे, तो कितनी तीन इकाई दूरी तय करेंगे, मतलब चार कदम चार इकाई दूरी तय करेंगे तो पहुंचेंगे तीन पर। देखिए सबसे पहले कहां गए हम माइनस एक पर गए, फिर इस माइनस एक से हम कहां तक आए चार कदम, एक कदम दो कदम तीन कदम चार, ये जुड़ा है तो प्लस होगा, ये घटा है तो बाईं तरफ जाने का, मतलब जब भी घटाना होगा बाईं तरफ जाएंगे, जब भी जोड़ना होगा हम दाईं तरफ आएंगे, इस प्रकार परिणाम जो होगा वो तीन प्राप्त होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो भी प्राप्त हो जाएगा, माइनस एक में अगर हम चार को जोड़ते हैं, अगर हम क्या जोड़ते हैं चार को, तो जब पद समान चिन्ह विपरीत हो तो बड़े में छोटे घटा के बड़े एक चिन्ह रखते हैं, चार में से माइनस एक भी आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे प्लस तीन, प्लस तीन लिखिए ना लिखिए प्लस हमेशा माना जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने वही देख लिया, ठीक है। इसलिए योग पांच और सात को जोड़ना है, पांच और माइनस सात, पांच और माइनस सात को जोड़ना है तो देखिए कैसे होगा, ये भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। पांच को जोड़ना है तो पहले जीरो से पांच दाएं तरफ चलिएगा, ठीक है, तो दाएं तरफ चलेंगे पांच आगे, फिर यहां से सात माइनस जाना तो माइनस माने बाईं तरफ जाएंगे, तो फिर भैया सात इकाई चलेंगे, तो देखिए पांच तो यहाँ आ गए, क्लियर हो गया, यहाँ से यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से सात चलना है, तो एक दो तीन चार पांच छह सात कहाँ पहुंचेगी माइनस दो, क्या होगा माइनस दो। ऐसे भी अगर आपसे पूछा जाए कि पांच में माइनस सात जोड़ना है तो जब पद समान हो चिन्ह विपरीत, तो बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह रखते हैं, ठीक। माइनस चार में प्लस चार जोड़ना तो इसका मान जीरो आएगा, ये देखते हैं कैसे। माइनस चार में प्लस चार जोड़ना, देखिए हम जीरो से क्या करेंगे माइनस चार तक गए, फिर यहां से प्लस चार की तरफ आ गए, तो उत्तर क्या होगा जीरो होगा। तो किसी भी संख्या का जैसे माइनस पांच है प्लस पांच है तो ऐसे ही कटके जीरो हो जाएगा, माइनस अट्ठारह है प्लस अट्ठारह है तो कटके जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स है प्लस एक्स है कटके क्या हो जाएगा जीरो। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, समान पद में अगर विपरीत चिन्ह है तो उनका योग या है अगर ज्ञात करना है, पद समान है चिन्ह विपरीत है तो उनका मान हमेशा जोड़ने पर शून्य प्राप्त हो।
वो आप लोगों ने देख लिया। माइनस चार और चार जोड़ने के लिए पहले जीरो से बाईं ओर चार कदम चलते हैं, फिर माइनस चार से हम फिर दाईं ओर चार कदम चलते हैं और उस संख्या जीरो पर पहुंचते हैं, इसलिए जोड़ जीरो प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि भिन्न चिन्ह वाली समान संख्याओं का योग हमेशा जीरो होता है। इस प्रकार की संख्याओं को एक दूसरे का हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम। तो याद रखिएगा, पद समान हो चिन्ह विपरीत हो उनका योग हमेशा शून्य होगा, जिसे हम योगात्मक प्रतिलोम के नाम से जानते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, आप चाहे इसकी नोट्स बना रहे साथ में नोट्स लिख लें, आपके ऊपर है, ताकि इसके सोल्यूशन जो हम लेकर आए तब तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर रहे। ठीक है, संख्या रखो पूर्णांक संख्या को घटाओ, अब जोड़ देख लिया घटाओ भी देखे, सेम ही प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं है। एक पूर्णांक संख्या को दूसरी पूर्णांक संख्या में घटाने के लिए घटाई जाने वाली पूर्णांक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। दूसरी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम का योग दो पूर्णांक संख्याओं के योग के समान ही होता है। आइए कुछ उदाहरण सब, अगर सात में से तीन घटाए जाए, सात में से अगर तीन घटाए, आप कहेंगे सर सात में से अगर हमें तीन घटाना, सात में से अगर हम तीन घटाना तो क्या आएगा? चार। तो यहाँ देखिए सात में तीन घटा हुआ, तीन का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस तीन होगा। तीन का क्या होगा योगात्मक प्रतिलोम? कहेंगे सर तीन का योगात्मक, जिसे तीन का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस तीन होगा, तभी इसका मान जीरो आएगा। योगात्मक प्रतिलोम मतलब उनको जोड़ने पर हमेशा शून्य प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो। तो कह रहे हैं तीन का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस तीन। किसी भी संख्या का अगर आठ का पूछ लिया जाए, आठ का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? आठ का योगात्मक प्रतिलोम माइनस आठ होगा। इस तरह सवाल पूछा था परीक्षा में, पूछ देगा कि एक्स का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो उसका माइनस एक्स होगा। ठीक है, सत्ताईस का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? माइनस सत्ताईस होगा। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या का एक तरह से ऋणात्मक संख्या हो जाती है बस। अब सात में अगर माइनस तीन जोड़ेंगे तो चार होगा। आइए संख्या रेखा परिश्रम देखते हैं। संख्या रेखा हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि सात में माइनस तीन घटाना है, तो सात धनात्मक है, सबसे पहले हम दाईं तरफ जोर से जाएंगे, सात कदम चल के चलेंगे तो सात पर पहुंचेंगे, फिर माइनस तीन कदम वापस आएंगे, तो पहले सात कदम हम चल के आगे सात पे, तीन कदम पीछे आएंगे कहां पहुंचेंगे? चार पर। कहां पहुंच गए? चार। छह में से माइनस दो का घटाव कर, तो हम अगर छह में से माइनस दो का घटाव करेंगे, हम जानते हैं माइनस दो का योगात्मक प्रतिलोम दो आएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? आठ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा इसको भी देखते हैं। छह है, इसमें से माइनस दो घटाना, जब इसके चिन्ह कोष्ठक के बाहर चिन्ह तोड़ेंगे तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आठ। अब इसे योगात्मक प्रतिलोम में देखते हैं, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम छह क्या करेंगे? छह तक जाएंगे, हम जीरो से छह तक। अब कह रहा है माइनस दो का घटाव करेंगे, अब माइनस दो जब आपके मन में आएगा यार इसमें माइनस दो घटाना है, तो हम तो इसके बाईं तरफ जाएंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि यही हम लोग को पढ़ना था कि हम चलेंगे माइनस दो के योगात्मक प्रतिलोम की तरफ। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? प्लस दो होगा। जब प्लस आएगा योगात्मक प्रतिलोम तो हम दाईं तरफ बढ़ेंगे, ऊपर माइनस आया था तो हम बाईं तरफ गए थे। ध्यान दीजिएगा, प्लस योगात्मक प्रतिलोम आएगा तो दाईं तरफ बढ़ेंगे, और योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा तो बाईं तरफ आएंगे। छह में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आठ। क्योंकि कह रहा है कि छह में से यदि माइनस दो का घटाव करें तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए, कोई चीज समझ में आए तो पूछ सकते हैं। अच्छा, माइनस तीन में से चार घटाव करेंगे तो क्या होगा? अब ये देखिएगा, माइनस तीन में से चार का घटाव करेंगे तो सबसे पहले माइनस चार का योगात्मक प्रतिलोम माइनस चार होगा, तो माइनस तीन की तरफ माने जीरो से तीन कदम बाईं तरफ जाएंगे, पहुंच गए कहां तक? माइनस तीन तक। अब योगात्मक प्रतिलोम कितना है? ऋणात्मक आया है, तो ऋणात्मक आया मतलब फिर बाईं तरफ जाना है, माइनस तीन से फिर चार कदम जाएंगे, एक दो तीन चार, क्या आएगा? माइनस सात। ऊपर भी देख सकते हैं, अगर हम माइनस तीन में से अगर हम चार को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस तीन माइनस चार बराबर माइनस। ठीक, स्पष्ट हो गया। अगर माइनस दो में से माइनस एक घटाया जाए तो माइनस दो में से अगर माइनस एक का घटाया जाए तो इसका घटाएंगे, माइनस एक का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? एक होगा। माइनस दो दो कदम पीछे जाएंगे, एक कदम दाईं ओर आएंगे, तो माइनस एक ही होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? माइनस एक। ये संख्या रेखा पर हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया योगात्मक प्रतिलोम के माध्यम से। ठीक, माइनस देखिए यहाँ पे समझिए, पहले माइनस दो तक गए, फिर हम माइनस एक का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो एक होगा, एक कदम दाईं तरफ आएंगे धनात्मक हो गया, तो माइनस दो में से अगर एक कदम दाईं तरफ आएंगे तो माइनस एक प्राप्त हो जाएगा हमें। अब पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं, पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं एक छोटी सी हेडिंग है, पूर्णांक संख्याओं का योग हम लोग को पढ़ना है। तो ये भी देख लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग
दो पूर्ण संख्याओं के योग के समानुपाती, माने दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का अगर योग निकाले, दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो योग होगा वो दो पूर्णांक संख्याओं का योग, दो पूर्णांक संख्याओं का योग दो संख्याओं के योग के समान होता है। जब हम दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा एक बड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए एक लाइन में समझिएगा, जब हम दो धन पूर्णांक को आपस में जोड़ते हैं तब हमें एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब हम किसी भी दो धन पूर्णांक को जोड़ते हैं तब हमें हमेशा एक धन पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक, कई बार बराबर प्राप्त होता है और कई बार बड़ा प्राप्त होता है, लेकिन जब धन पूर्णांक की बात करेंगे हमेशा दो धन पूर्णांक को जब भी जोड़ेंगे हमेशा तीसरा जो पूर्णांक प्राप्त होगा वो बड़ा होगा उन दोनों के बीच। वो भी कह रहा है कि पूर्णांक संख्या जोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा एक बड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। ये चार या पांच एक में छह जोड़िए। एक और थियरी इसमें है जो आपको जोड़ रही है, कह रहा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, अगर दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का योग करें हमेशा ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। क्या होती है? ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है और छोटी संख्या प्राप्त होती है। दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग हम केवल दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिणाम हमेशा एक छोटा पूर्णांक होता है। जैसे अगर दिया जाए माइनस ग्यारह में माइनस बारह तो चिन्ह समान है, तो माइनस बारह और तेरह क्या हो जाएगा? माइनस तेईस। तो ये छोटा प्राप्त होता है। क्या होता है? एक छोटा प्राप्त होता है। क्या होता है? छोटा प्राप्त होता है। एक ऋण पूर्णांक संख्या उन दोनों के बच्चा छोटा, धनात्मक में धनात्मक प्राप्त और बड़ा प्राप्त होता है, और इसमें क्या होता है? ऋणात्मक प्राप्त होता है और छोटा प्राप्त होता है। जब भी हम किसी दो ऋणात्मक संख्या को आपस में जोड़ते हैं तब, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस दो को माइनस तीन से जोड़ा है तो ये देखिए तीन दो पांच माइनस पांच हो जाएगा, माइनस नौ को माइनस सात से जोड़ा है तो माइनस सोलह हो जाएगा। तो बस वही है कि जब दो ऋण पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होगी किंतु अपितु के साथ एक छोटी संख्या प्राप्त होगी। आगे कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का योग क्या होता है? इसमें क्या होगा? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या के योग में हम आमतौर पर छोटी संख्या को बड़ी संख्या में घटाते हैं और परिणाम हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी दो पदों को आपस में जोड़ते हैं विपरीत चिन्ह का तो हम क्या करते हैं? हमेशा बड़े पद में से छोटे पद को घटाते हैं और बड़े पद का चिन्ह रखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस बारह है और यहाँ पे प्लस आठ है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, तो बड़ा पद क्या है? बारह है, तो बारह में से बड़े पद में से छोटे पद को घटाएंगे, बारह में से आठ गया चार, बड़े पद का चिन्ह रखेंगे माइनस। जैसे यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते थे हम, जैसे यहाँ पर है माइनस सत्रह में प्लस अट्ठाईस, अगर अब हम क्या करेंगे, अब पद समान है चिन्ह विपरीत है तो बड़े पद में से छोटे पद को घटाएंगे, अट्ठाईस में से सत्रह गया तो ग्यारह आएगा और बड़े पद का चिन्ह रखेंगे। धन लिखिए न लिखिए धन माना जाता है, धन लिखिए ना लिखिए धन माना जाता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जब हम किसी विपरीत चिन्ह वाले पदों को आपस में जोड़ते हैं, पूर्णांकों को ऋण और धन पूर्णांक को जोड़ते हैं तो उसमें ध्यान देते हैं कि दोनों पद हमेशा आपस में जुड़ जाते हैं किंतु बड़े पद का चिन्ह रखते हैं। ठीक है, पद चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर चिन्ह विपरीत है तो हम बड़े पद में से छोटे पद को घटाकर हमेशा बड़े पद का ही चिन्ह रखते हैं, चाहे धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है माइनस आठ और माइनस पांच, अब आठ में से पांच माइनस में है, आठ में से पांच घटा देंगे, बड़े में छोटे घटा देंगे, आठ में से पांच गया तीन, बड़े का चिन्ह रखें, बड़े का चिन्ह क्या? माइनस, तो माइनस तीन गया। दस में से माइनस तीन घटेगा तो दस बड़ा है, दस में से तीन गया सात, सात का चिन्ह क्या होगा? धनात्मक होगा, तो धनात्मक, क्योंकि बड़े का चिन्ह धनात्मक है। अब माइनस दो में नौ जोड़ेंगे तो माइनस दो में अगर नौ जोड़ेंगे, नौ बड़ा है तो नौ में से दो घटाएंगे तो सात आएगा, सात क्या है? धनात्मक, क्योंकि बड़े का चिन्ह क्या है? धनात्मक है। धनात्मक लिखिए ना लिखिए माना जाता है, जैसे किसी को बटे एक लिखिए ना लिखिए बटे एक माना जाता है, हर एक माना जाता है। अब एक है पुनरावलोकन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पुनरावलोकन में कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। अद्वितीय गुणनखंड रूप पुनरावलोकन, माने एक बड़े से बड़े किसी भी धन पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया से हम लोग प्रारंभिक कक्षा से ही परिचित हो गए, शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के स्वरूप में यह निरूपण उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। आइए, यह निरूपण अद्वितीय होता है। यदि अभाज्य गुणनखंडों के क्रम को महत्व दिया न दिया जाए तो इस तथ्य को अंगणित का मूलभूत प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इस प्रमेय से स्पष्ट कथन नीचे दिया गया, इस प्रमेय की उत्पत्ति और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अंगणित का मूलभूत प्रमेय नामक लेख पढ़ें। अब जैसे यहाँ सपोज दैट, अगर हम मान लेते हैं छप्पन या एक सौ अट्ठाईस,
इस 128 को हम यहाँ पे दो भागों में कर सकते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे चार लिखते ठीक, तो यहाँ पे अगर हम चार से डिवाइड करेंगे तो हमें दो फलक मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हाँ 128 ज्यादा हो जाएगा। कोई और संख्या लेते हैं हम, जैसे 104 ले लेते हैं, सपोज 104 ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चार से डिवाइड करते हैं तो कितना यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे चार, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 8 ले सकते थे, अगर हम 8 लेते हैं, 8 × 8 बचेगा 2, 8 × 3 = 24, 13। इस 8 को फिर तोड़ेंगे हम, ये 2 × 2 × 2 ठीक इस क्रम में ये टूटेगा और ये किस में आएगा 13, इसका जो गुणनखंड बनेगा वो 2 × 2 × 2 × 3, और इसका एक ये भी गुणनखंड बन गया कि 8 × 3, इसका एचसीएफ भी 1 होगा। यहाँ पर एक सवाल दिया गया 132, यहाँ पर हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर लिया, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 68 को भी क्या कर सकते हैं दो भागों में बांट सकते हैं, कैसे भागेंगे ये भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा फिर हम 6 × 6 = 8 कितना आया 66 आएगा, यहाँ पे आएगा 66, जब हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 × 2 × 3 = 6 ठीक। लेकिन हम इसको एक काम ये करते हैं, जहां पे जो हमें यहाँ समझाया गया है हम इसको 6 से काटते हैं, 6 से काटेंगे हमें मिल जाएगा 2 और 3, हमें मिल जाएगा 2 और 3, और यहाँ पे मिल जाएगा 6 से काटेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो अब हमें जो गुणनखंड मिला वो ये मिला 2 × 2 × 3 × 11, हमें ये मिल गया 132 का 2 × 2 × 2 × 3 × 11। आइए इसको हम और अच्छे समझते हैं एक और एग्जांपल के माध्यम से। यहाँ पे एग्जांपल देंगे, यही हम लोग को समझाना था। माने प्रमेय अंकगणित का मूलभूत प्रमेय प्रत्येक धन पूर्णांक जो n एक से बड़ा हो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। आइए और कुछ एग्जांपल देखते हैं, हो सकता है इस एग्जांपल के माध्यम से आपके जो और सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अब बीच में भाग जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे। जहां P1 और PK भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, जहां E1 और EK धन पूर्णांक हैं, यदि हम इस निरूपण में अभाज्य गुणनखंडों क्रम को महत्व न दिया जाए तो निरूपण अद्वितीय होगा। आइए इसको हम लोग जब हम एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यदि आप अंकगणित के मूलभूत प्रमेय को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस प्रमेय में धन पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड पर चर्चा की गई, अर्थात हमें अभाज्य गुणनखंड पर चर्चा करने से पहले संख्याओं का नियत समुच्चय होना चाहिए और साथ ही उस समुच्चय में अभाज्य संख्या की एक सुनिश्चित परिभाषा होनी चाहिए। इन संकल्पनाओं से हम अच्छी तरह से परिचित हैं, जानकारी के लिए अभाज्य संख्या नामक लेख देखें, आगे शुरू में हम लोगों ने पढ़ लिया है संख्याओं के एक नए समुच्चय पर विचार करेंगे, हम लोग सीरीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। परिभाषित नए समुच्चय जिसे 3n में 1 के रूप में निरूपित व्यक्त किए जा सकते हैं वाला धन पूर्णांक जिसे आप 3n + 1 जहां n में 0, 1, 2, 3 इत्यादि रखकर ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा समुच्चय, ध्यान दीजिएगा समुच्चय में 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 होगा। ध्यान दीजिएगा हम समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध, अर्थात इस समुच्चय से किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल भी इस समुच्चय का अव्यय होता है। क्या आप इसे प्रमाणित कर सकते हैं, पहले स्वयं प्रयास करें और सफलता नहीं मिलने के बाद ही नीचे बॉक्स में देखिए। यहाँ पे शुरू हम लोगों ने पढ़ लिया था 3x + n के रूप में संख्याओं का गुणनफल कैसे लिखेंगे, जैसे 6 है इसे लिख सकते हैं 6 × 1, परंतु यह समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध नहीं है क्योंकि आप इस समुच्चय में किन्हीं भी दो अवयव का योगफल इस समुच्चय का अवयव नहीं। उदाहरण के लिए 4 में 1 जोड़े 1 में 4 जोड़े 5 है, परंतु इस समुच्चय का अवयव नहीं क्योंकि 3x + 1 = 3y + 1 इस समुच्चय के दो अवयव हो तो इसका योगफल अगर यहाँ पे देखें 3x + 1 + 3y + 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + x + y = 2, तो ये विचारधारा समुच्चय का अवयव नहीं है क्योंकि यह 3n + 1 के रूप में नहीं है। तो यहाँ पे इसमें आपका समय गंवाने से कोई मतलब नहीं है। अब हम इस समुच्चय में अभाज्य संख्याओं को परिभाषित करेंगे, धन पूर्णांक को समुच्चय में अभाज्य संख्याओं में परिभाषा याद कीजिए। अच्छा यहाँ पे देखिए एक ओवर लाइन में याद कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने
अभाज्य संख्या में एक पढ़ा था कि अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करें, कौन संख्या अभाज्य संख्या कौन संख्या नहीं है, उसमें एक छोटा सा त्रिक हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें ध्यान देते हैं कि जो संख्या हमें दी गई है उसका अगला वर्ग क्या होगा, उस वर्ग के वर्गमूल निकाल लें, उसके पहले की जितनी अभाज्य संख्या उनको भाग देने से विभाजित हो जाता है तो वो अभाज्य संख्या नहीं, अगर विभाजित नहीं होता तो एक अभाज्य संख्या। वो ट्रिक आपके लिए सबसे सही था और हमने शुरुआती वीडियो सेशन में इसके बारे में डिस्कस भी किया था और हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा भी था। तो यहाँ पर वही चीज है, क्योंकि बहुत लेंदी हो जा रहा है इसलिए इस पर हम लोग क्या करेंगे, आपका समय नहीं गवाएंगे। अब हम पूर्णांकों के योग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बता दें जो अभी तक आप पढ़े हैं वो भूल जाएंगे। पूर्णांकों के योग क्या है, योग के अंतर्गत समवृत्ति हम लोगों ने पढ़ लिया। समवृत्ति क्या है शायद आपको याद होगा, जब दो पूर्ण संख्याओं का योग पुनः पूर्ण संख्या ही होती है, माने जब किसी दो संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनका योग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या ही प्राप्त होती है, इसे हम समवृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए 70 में अगर 24 जोड़ेंगे तो 41 होगा, जो कि पुनः एक पूर्ण संख्या है। यह गुण पूर्ण संख्या के योग का समवृत्त गुण कहलाता है। व्यकलन के अंतर्गत, व्यकलन का मतलब क्या होता है, घटाना, ध्यान दीजिएगा, व्यकलन का मतलब क्या होता है, घटाना होता है। व्यकलन के अंतर्गत समवृत्त क्या है, पूर्णांक व्यकलन के अंतर्गत समवृत्त होते हैं, अतः यदि ए और बी दो पूर्णांक है तो ए माइनस बी भी एक पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक होता है। अगर दोनों ए और बी दोनों पूर्णांक है तो भी ए माइनस बी पूर्णांक। क्रम विनिमय का गुण अगर हम देखें, क्रम विनिमय भी हम लोगों ने पढ़ा है, शायद आपको याद होगा, तीन में पांच जोड़े, पांच में तीन जोड़िए, उसका मान क्या होगा, आठ होगा। अर्थात दो पूर्ण संख्याओं किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। दूसरे शब्दों में पूर्ण संख्याओं के योग क्रम विनिमय होता है। इस कथन को हम पूर्णांक के लिए भी कह सकते हैं। जैसे पांच में अगर माइनस छह जोड़े माइनस एक आएगा, चाहे माइनस छह में अगर पांच जोड़े तब भी माइनस एक है, इसलिए हम पांच प्लस माइनस छह या माइनस छह प्लस पांच लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय गुण पाया जाता है किसमें, पूर्णांक संख्या में। समवृत्त का भी गुण पाया जाता है, क्रम विनिमय का भी गुण पाया जाता है। सहचर गुण ये हम लोगों ने पढ़ लिया, सहचर क्या है, पूर्णांकों के लिए योग सहचारी होता है। व्यापक रूप में पूर्णांकों ए बी सी के लिए हम कह सकते हैं, जैसे ए प्लस कोष्ठक बी प्लस सी है, हमें भी कह सकते हैं बी प्लस सी कोष्ठक के बाहर प्लस ए, तो यह भी आपस में मान बराबर होंगे। ठीक, पूर्णांकों गुणनफल, दो धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल भी धनात्मक संख्या होती है, ध्यान दीजिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं गुणनफल भी धनात्मक होती है। जोड़ घटाना गुणा भाग, दो धन पूर्णांक का हमेशा धन पूर्णांक होगा। किंतु यहाँ भी देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। किसी भी संख्या में चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, अगर इसमें शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा, और अगर एक से गुणा करेंगे तो स्वयं संख्या ही प्राप्त होगी। एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक होता है। माने एक ऋण पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, अगर उसमें गुणा किया जाए तो हमेशा ऋणात्मक आएगा। लेकिन अगर दो ऋण संख्याओं को गुणा करें तो गुणनफल हमेशा धनात्मक आता है। यहाँ हम एक छोटा सा समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस है या गुणा है, धन का गुणा कर धन में करेंगे तो धन आएगा, ठीक, ऋण का गुणा अगर हम ऋण में करें तो क्या आएगा, धन। माने समान चिन्हों का गुणा हमेशा क्या होता है, सकारात्मक धनात्मक होता है। दूसरी तरफ, एक तरफ यहाँ पे प्लस है और दूसरी तरफ यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है, ठीक, यू कह सकते इधर माइनस है और इधर प्लस है, तभी क्या आएगा आपका, माने समान अगर चिन्ह है उनका गुणा हमेशा धनात्मक होता है, विपरीत चिन्हों का गुणनफल हमेशा नकारात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो मतलब दो ऋणात्मक संख्या गुणनफल हमेशा धनात्मक होता है, जैसा ऊपर हमने देख लिया, और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होता है। यहां मैंने आपने भी देख लिया। पूर्णांकों का विभाजन कैसे करते हैं, पूर्ण संख्या के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नहीं। जैसे 9 में 3 का भाग दीजिए तो उसके बराबर क्या है, 3 में 9 का भाग दीजिए, नहीं बराबर। तो हम लोगों ने भी पढ़ा भी था पीछे भी, हम भी जानते हैं कि पूर्णांकों में अगर बात करें विभाजन करने के लिए तो पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नहीं है। अगला है, दो पूर्ण संख्याओं की तरह किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग करना अर्थहीन, ध्यान दीजिएगा, दो पूर्ण संख्याओं की तरह किसी भी पूर्णांक को शून्य से भाग करना अर्थहीन है, अर्थात शून्यतर पूर्णांक को शून्य से भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है, अर्थात किसी भी पूर्णांक को ए के लिए जीरो परिभाषित नहीं है। जैसे अगर हम कह दिया जाए किसी भी संख्या में, जैसे ए में अगर आप जीरो में देते हैं भाग तो क्या है, ये परिभाषित नहीं, ये परिभाषित नहीं। लेकिन अगर उसी तरह जीरो में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो भागफल हमेशा शून्य प्राप्त होगा, क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। बस इतना याद रखना है, यहाँ पे ए जो भाजक है, ध्यान दीजिएगा, भाजक
किसी भी दशा में शून्य नहीं हो सकता। अगर भाजक शून्य है तो अर्थहीन हो जाएगा, लेकिन अगर भाजक कोई संख्या है, कोई पद है और शून्य में भाग देना है, हमेशा शून्य प्राप्त हो। जब हम किसी पूर्ण संख्या को एक से भाग देते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। किसी भी पूर्ण संख्या में एक से भाग देते हैं हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और सभी संख्या को जैसे यहाँ पे अगर पांच में एक से भाग देंगे तो हमें पांच ही प्राप्त होगा, और पांच का बटा एक लिख सकते हैं, मानी किसी भी संख्या को बटा एक लिखा जा सकता है, उसमें भाग एक माना जाता है कि एक से डिवाइड है, और किसी भी संख्या में एक से गुणा करेंगे हमें वही संख्या प्राप्त होगी, और ये माना भी जाता है। और धन लिखे ना लिखे धन भी माना जाता है, धन माने योग धनात्मक। एक ऋण पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक के लिए भी सत्य है, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए भी सत्य है। यदि माइनस आठ में अगर एक से भाग देंगे तो हमें वही संख्या माइनस आठ ही प्राप्त होगा, वो मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया। अब इसके स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें आप लोग, अगर आप इस वीडियो को पढ़ा देख रहे हैं तो। योग तत्समक, तत्समक दो होते हैं, गुणन और योज तत्समक। गुणन तत्समक एक होता है, गुणन तत्समक हमेशा क्या होता है एक होता है। गुणन तत्समक वह संख्या होती है जिसे किसी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, और योज तत्समक जीरो होता है, योज तत्समक के साथ किसी संख्या जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ये शुरू हम लोगों ने पढ़ लिया था, आइए जानते हैं तत्समक का नियम क्या होता है। तत्समक गुणन धर्म यह कहता है कि यदि किसी भी संख्या को एक से गुणा किया जाए तो वह अपनी पहचान बनाए रखता है, मानी किसी भी संख्या में अगर एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, इसीलिए हम कहते हैं वो अपना पहचान बनाए रखते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या वापस मिल जाती है। इसका कारण है कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करने का मतलब है कि हमारे पास उस संख्या की एक प्रतिलिपि है, क्या प्राप्त हो गई प्रतिलिपि। अब ऊपर आते हैं योज्य तत्समक, मैं तत्समक दो गुणन और योज तत्समक गुणन तत्समक होता है। गुणन तत्समक वह संख्या होती है जो किसी संख्या गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जैसा हम लोगों ने पढ़ लिया। और योज तत्समक जीरो होता है, योज तत्समक का मतलब क्या होता है वो जीरो होता है, ठीक है, अगर उसको आपस में जोड़ा जाए तो यो जीरो प्राप्त होगा। अब गुणात्मक तत्समक क्या है, ये तो हो गया तत्समक का नियम। अब गुणात्मक तत्समक क्या है, इसे गुणन का पहचान गुणा भी कहा जाता है, क्योंकि संख्या की पहचान समान रहती है। जब एक गुणक पहचान संख्या को एक परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो वही रहता है। इसका अर्थ यह है कि परिमेय संख्या के साथ गुणक पहचान संख्या गुण का अनुसरण करता है, तो सेम वही है, उसे हम एक बटा जैसे छह गुणे एक बटा छह कर देंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा, तो वही है गुणात्मक तत्समकता कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ए है, इसमें अगर एक बटा ए से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए, इसे गुणात्मक तत्समकता के नाम से हम जानते हैं। यो तत्समक क्या है ये जानते हैं, योज देखिए कह रहा है ना योज तत्समक। परिमेय संख्या जीरो परिमेय संख्या जीरो परिमेय संख्याओं के लिए यो तत्समक होता है, परिमेय संख्या एक परिमेय संख्याओं के गुणन तत्समक होते हैं, इसे परिमेय संख्या के व्युत्क्रम में गुणन प्रतिलोम होता है, उसे व्युत्क्रम भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें ए गुणे सी गुणे जीरो एक होता है, मतलब किसी भी दो पदों का गुणनफल किया जाए तो उसका एक है। योज तत्समक का मतलब क्या होता है, गणित में किसी समुच्चय के योग का तत्समक अवयव वो अवयव है जिसके जिसको उस समुच्चय के किसी अवयव में x जोड़ने पर x ही प्राप्त होता है, मतलब कोई भी संख्या जोड़े और वही प्राप्त हो, वैसे जीरो होगा इसके लिए क्या हो जाएगा जीरो, इसमें कोई भी संख्या जोड़िए हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। तत्समक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे गणित में तत्समक फलन जिसे तत्समक संबंध तत्समक प्रतिचित्र या तत्समक रूपांतरण भी कहते हैं, वह फलन जो निर्दिष्ट मान का वैसा ही निर्गमन करता जैसा तर्क में काम में लिया गया। जैसे समीकरण में क्या है रूप में f(x) बराबर x को रूप में दिया जाता है। परिमेय संख्या गुणात्मक तत्समक क्या है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य भोज्य की जगह योज्य होगा, योज्य तत्समक प्राकृतिक संख्याओं पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों की तरह शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होता है। जब हम एक परिमेय संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है, जैसे पांच बटे चार में अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो हमें पांच बटा चार ही प्राप्त होगा। पूर्ण संख्याओं के लिए तत्समक अवयव कौन है, पूर्ण संख्याओं में गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होते हैं एक होते हैं। एक धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, जब किसी संख्या को आगे ऋणात्मक और एक ऋण चिन्ह लगाया जाता है तो वह शून्य के सापेक्ष उस संख्या की ऋणात्मकता दर्शाता है। प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या माना जाता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ऋणात्मक संख्याएं परिणाम और क्रम के बीच गलतफहमी उत्पन्न कर सकती है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक ऋणात्मक तरफ धनात्मक धनात्मक तरफ रहता है।
और दोनों गुणनफल करेंगे तो ऋणात्मक ही आएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ऊपर हम लोगों ने ऊपर देख लिया, एक धनात्मक सहसंबंध से तात्पर्य है जब एक चर में वृद्धि होती है तब अन्य चर में भी वृद्धि होती है, जैसे बच्चे का आकार और बच्चे की आयु दोनों बढ़ती है। ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब यह है कि जब एक चर में वृद्धि होती है दूसरे चर में कमी होती है, जैसे एक कार्य का मूल्य और एक कार्य की आयु, जिस तरह कार्य की आयु बढ़ती है मूल्य घटता है, और जिस तरह बच्चे की उम्र बढ़ती है उससे लंबाई भी बढ़ती है। तो वही है धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध। अब ऋणात्मक संख्या क्या है यह भी जान गए, जब भी संख्या आगे ऋणात्मक या ऋण चिन्ह लग जाए, माइनस का चिन्ह लग जाए, तो क्या हो जाती है, शून्य के सापेक्ष वह संख्या ऋणात्मक दर्शाती है, माने शून्य के बाईं तरफ है। प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक संख्या माना जाता है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक और धनात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं के परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, दोनों के परिणाम भी होते हैं दोनों के दिशा भी होते हैं। ऋणात्मक संख्याएं परिणाम और क्रम के बीच गलतफहमी उत्पन्न कर सकती हैं, ऋणात्मक धनात्मक परिणाम के बीच गलतफहमी उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए माइनस चार का पारंपरिक रूप से माइनस एक से कम होता है, इसके बावजूद कि माइनस चार का परिणाम माइनस एक से अधिक दिखाई दे रहा है। अब आपको लगेगा अच्छा पूछा जाए माइनस एक बड़ा है माइनस चार, लगेगा यार माइनस चार बड़ा है, नहीं माइनस एक बड़ा है। तो वही चीज कह रहा है कि यहाँ पे गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। अब एक और टॉपिक है आपका, कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए संख्या रेखाओं का उपयोग करना चाहिए। याद रहे धनात्मक ऋणात्मक के बीच के समझ को विकसित करने के लिए हम संख्या रेखा का उपयोग कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करते भी हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि संख्याएं रेखा चित्र एक में दी गई हैं और एक ज्यामिति विचार जिसमें एक सरल रेखा में एक खास क्रम व्यवस्थित किए गए बिंदुओं के एक समूह के रूप में कल्पित किया जा सकता है। एक गणितीय रेखा की लंबाई अनंत होती है, एक गणितीय रेखा होती है इसकी लंबाई अनंत होती है, दोनों तरफ हम इसे अनंत तक क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। जब हम आगे हम लोग रेखा गणित पढ़ेंगे तब इस तथ्य पर भी प्रकाश और चर्चा पर भी करेंगे, लेकिन उसका मध्य हमेशा मूल शून्य पर होता है, उसका जो मध्य होगा मूल होता है हमेशा निश्चित होता है शून्य होता है उदासीन होता है। एक संख्या को विद्यार्थियों को ऋणात्मक संख्या समझने उन्हें जोड़ना घटाना आरंभ में मदद कर सकती है, और शुरू में इन्हें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ घटाओं में संख्या रेखा उन्हें मदद कर सकती है। एक संख्या रेखा इतनी उपयोगी हो सकती है कि गणित सिखाने वाले किसी भी कक्षा में समान अंतर विभाजित एक लंबी रेखा को बनाना और दर्शाना एक अच्छा विचार हो सकता है, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया। रेखा को इस प्रकार बनाना उसके द्वारा दर्शाई गई संख्या लिखी जा सके, अलग से नथी की जा सके, इसका अर्थ होगा कि उसको देखिए मतलब जो भी आप संख्या रेखा बना उसमें स्पष्ट हो, दूरी समान हो, अंक भी स्पष्ट लिखा गया ताकि बच्चों को समझाते बताते समय उनकी काफी मदद होती है। इकाई दहाई सैकड़ा इत्यादि भी हो, अंश दशमलव बहुत छोटे छोटे दशमलव मानक प्रारूप ये सब अच्छे से होने चाहिए। दो ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणनफल करेंगे तो हमेशा धनात्मक होता है, यदि गुणा किए जाने वाले पूर्णांकों में ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या है तो अर्थात विषम है जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 है तो गुणनफल एक ऋणात्मक होगा। जैसे यहाँ पे ये कह रहा चाह रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस ए गुणे माइनस ए गुणे माइनस ए, ये क्या है माइनस ए है तो ये भी माइनस ए ही आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर 3 बार 5 बार 7 9 बार कोई पद है तो इसमें क्या आएगा माइनस एक, माने अगर ऋणात्मक गुणा विषम बार है तो ऋणात्मक आएगा, सम बार है तो धनात्मक आएगा। जैसे यदि ऋणात्मक पूर्ण संख्या सम बार है, जैसे आपको देखिए माइनस ए गुणे माइनस ए क्या आएगा, लेकिन अगर यहाँ इस तरह से होगा माइनस ए गुणे माइनस ए गुणे माइनस ए गुणे माइनस ए सम बार है, यहाँ पे क्या आएगा सम बार धनात्मक होगा ए पावर लिखिए ना लिखिए। अब ऊपर भी हम देख सकते हैं जैसे माइनस ए गुणे बी गुणे बी, अब देखिए एक बार है माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस ए बी। तो जब एक बार मतलब विषम संख्या विषम बार होगा ऋणात्मक तो ऋणात्मक आएगा, सम बार है गुणनफल में तो धनात्मक आएगा, यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ए है गुणे माइनस बी है फिर गुणे ए है फिर गुणे माइनस बी है, अब इसका अगर हमें गुणनफल ज्ञात करना होगा तो क्या है, तो ये देखिए ऋणात्मक सम बार है तो ए गुणे ए करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या होगा धनात्मक ही होगा, क्या होगा धनात्मक। धनात्मक कैसे प्राप्त होगा इसका कारण मैंने बता दिया है कि सम बार है, दो बार है ना, दो बार है सम बार है, यहां पे देखिए सम बार होगा तो क्या होगा धनात्मक, विषम बार होगा तो ऋणात्मक। यहां का चिन्ह नहीं होता, 2, 3, 4, 24 है। अब गुणा किए जाने पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या को मिलान करें तो यहां पर हम देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक 0 इससे धनात्मक ही आएगा, अर्थात गुणा के जाने पूर्णांक कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, अर्थात सभी पूर्णांक धनात्मक। अगर सभी धनात्मक पूर्णांक से गुणा करेंगे तो हमेशा धनात्मक ही आएगा, और अगर उसमें ऋणात्मक भी और धनात्मक दोनों है तो अगर सम बार है तो धनात्मक उत्तर आएगा, परिणाम धनात्मक होगा,
और विषम बार ऋणात्मक है तो गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा, चूंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जीरो अंतरूप देगा गुणनफल धनात्मक होगा। शून्य से गुणन, यहां पे कह रहे शून्य से गुणन, जब भी शून्य का गुणा की संख्या शून्य के गुणा किया जाए तो फिर संख्या क्या होती है गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गुणा हमने किया, सपोज दैट जैसे यहाँ पे है -6 × 32 × -46 × 5, 7, 3 यहाँ हो गया फिर -0, इसका मान क्या आएगा 0। मान कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो अगर उसमें एक जगह 0 आ गया गुणनफल, उसका गुणनफल हमेशा शून्य होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी संख्या में या ऐसे भी हो सकता है 0 × 3, 7, 6, 9, 8 इसका मान, मान किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा किया जाए गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त हो। उक्त संक्रियाओं में शून्य का पहाड़ा गुनिया या दुनिया क्रम से 7-3 बार पढ़ा जाएगा, जैसा कि ऊपर है इसे 37 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। शून्य से शून्य तक शून्य तीन शून्य का पहाड़ा कितनी बार पड़े गुणनफल हमेशा शून्य होगा। शून्य इक्का, शून्य दुक्का, शून्य तिक्का, शून्य चौका, शून्य पचे भी 0 होगा। तो 0 × 37 करने पर भी गुणनफल क्या होगा शून्य आएगा, चाहे हम 0 × 37 करें चाहे 37 गुणा करें गुणनफल हमेशा क्या आएगा शून्य आएगा, ऊपर हमने एग्जांपल के माध्यम से बता दिया। ठीक, वितरण का गुण क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। गणित में वितरण संपत्ति की बाइनरी ऑपरेशनों को सामान्यकृत वितरण कानून से प्राथमिक बीजगणित इस बात पर जोर देता है, जैसे यहां पर दिया है a × b + c, तो इसको गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं वो भी जानते हैं। एक बार गुणा इसका इसमें करेंगे, एक बार गुणा इसका इसमें करेंगे, एक बार यहाँ गुणा करेंगे, एक बार यहाँ। तो जब a का गुणा b में करेंगे तो आएगा ab, फिर प्लस से गुणा प्लस, क्योंकि चिन्हों का भी बीजगणित में गुणा होता है गुणे, फिर a गुणे जब c करेंगे तो क्या आएगा ac। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए, यहाँ पे एक बार x को y में गुणा करेंगे फिर y में z, तो यहाँ पर xy + yz बीच में धन का चिन्ह, यहाँ पर भी क्या है बीच में धन का चिन्ह। यह कहते गुणा वितरित से अधिक इसके अलावा संख्याओं के इस मूल गुण को अधिकांश बीजी संरचनाओं में परिभाषा माना जाता है, जिसमें दो संख्याएं होती हैं जिन्हें जोड़ और गुणा कहा जाता है, जैसे कि जटिल संख्याओं के पर अच्छा निगेटिव चार्ज अगर निगेटिव है जैसे मान लीजिए 8 × 7 − 4 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 × 7 − 8 × 4 8 × 56 − 52 इसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से भैया जरूरी धन पर धनात्मक हो रिंग फील्ड, ये भी आई बुलियन बीजगणित तो गणित तर्क है जहां से प्रत्येक तर्क रिपीट किया जाता है, ऊपर भी यहाँ पर दिया गया। गुणन के आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे 2 का गुणा दिया है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 माने 2 का 2, 2 × 2 = 6, 2 × 3 = 6 इस तरह से हम 15 × 20 करेंगे 4 × 6 करेंगे, इस तरह से रूल है। जीरो में किसी भी संख्या का अगर हम गुणा जीरो में करेंगे तो गुणनफल 0 प्राप्त होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 0 × 1 करें चाहे 0 × 5 करें 0 × 8 करें इसका उत्तर हमेशा 0 हो जाएगा। रूल नंबर 2 में क्या सीखा, अगर किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो हमें स्वयं संख्या प्राप्त होगी, और जैसे 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, माने बार बार जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है गुणा कहलाती है। जैसे 3 × 3 9 होता है लेकिन 3 बार जोड़ेंगे तो भी 9 प्राप्त होगा, तो जैसे 3 × 5 = 2, 5 = 10 है तो 5 × 5 भी 10 कर सकते हैं, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा। उदाहरण के लिए 2 × 4 = 8 है लेकिन 4 + 4 भी 8 हो सकता है। दूसरी संख्या के लिए हम कहें 2 × 3 = 6, 3 × 3 भी 6 हो सकता है। तो यहाँ पर यह सीरीज जो था, यह सेशन जो था आपका, वो समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर और साझा कर सकते हैं, और जहाँ इस वीडियो को देख रहे थे, और टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश्वर सर्च करके इन लर्निंग पे दुर्गेश से जुड़े रहे, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ देख पा रहे हैं ये सभी क्लासेज आप सभी के लिए निःशुल्क देशित राष्ट्रीय उपलब्ध है। नोट संबंधी अगर कोई भी जानकारी चाहिए ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर काल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क है, देशित में, राष्ट्रीय में है, जहाँ पर आप एनसीईआरटी की सभी नोट्स, जी हाँ एनसीईआरटी की सभी नोट्स 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करने के बाद पेज को फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर, फेसबुक, कोई कहीं भी इसे अपलोड भी कर सकता है, डाल सकता है कि निःशुल्क क्लास है और हम चाहते हैं आप भी इस सेशन में, इस क्लास में बने और अपने मित्रों को साझा करते रहो।
उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किए होंगे, वीडियो अंत तक बने रहेंगे। क्रम और पूरी एनसीईआरटी आपको 6 से 12 तक मिलेगी, फिर अगला लेसन भी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। हर दिन हर साथ आपके हम क्लास और सीरीज में बने रहेंगे, बस आप भी अपना साथ बना रखिएगा, हम आपके उज्ज्वल हो इसकी भी कामना करते हैं। इस सेशन में, इस वीडियो में, जहां आपको लगेगा कोई चीज कठिन है उसको स्किप कर दीजिएगा, हम आगे कक्षाओं में पढ़ लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी कहीं ना कहीं हर एक अध्याय दूसरे अध्याय से जोड़कर पढ़ाता है, जिससे आपका रिविजन भी हो पाता है, तब से समझ भी आते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं आपके प्रत्येक अध्याय को अध्यायवार पढ़ने के लिए। हो सकता है इसमें आप लोग पहले थियरी पढ़ेंगे, पूरी सीरीज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे जुड़े हुए जो एनसीईआरटी के सोल्यूशन है उसको भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फर्क यह है कि आप इस वीडियो अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों सभी साथियों को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आशा जी का थैंक यू, लाइक करते जाइएगा और अगली क्लास में भी बने रहिएगा, मतलब इस वीडियो अगली वीडियो जो बनेगी उसमें भी आप जुड़ जाइए। आप सभी का थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।